हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम इन श्रद्धा रेसिपीज। आज मैं बनाने वाली बहुत ही चटपटी सी खट्टी मीठी टोमेटो चटनी, जो कि बहुत ही यमी होती है, आप किसी भी स्नैक्स के साथ ले सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। टोमेटो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रेड रेड पल्पी टोमेटोस, ये हाफ के जी है और देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट है, पल्पी है और काफ़ी रेड एंड फ्रेश है। और इसके मैंने ऊपर की जो लेयर होती है उसे मैंने कट कर दी है एकदम टॉप से। कॉर्नफ्लोर है ये हमारा, कॉर्नफ्लोर हम लेंगे 1 टेबल स्पून। ये है सिलेंट्रो या चॉप्ड कोरिएंडर, हरी धनिया, एंड ये है हमारी ऑर्गेनो, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। ये हमारी ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची 4 से 5 कटी हुई। ये हमारा नमक स्वाद अनुसार है, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, हल्दी 1 टीस्पून और थोड़ा सा हम लेंगे 2 टीस्पून मसाला, आप कोई भी मसाला ले सकते हैं। और ये हमारी चीनी यानी शुगर, ये दाने वाली चीनी है, ये मैं लूँगी 2 टेबल स्पून, 2 बड़े चम्मच। एंड ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है काफ़ी, तो मैं रिफाइंड ऑयल लूँगी अबाउट 1 या 2 टेबल स्पून। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे टोमेटो हैं उन्हें मैंने धो लिया है और एक ग्राइंडर जार है, इसमें मैं टोमेटोज को कट करके ग्राइंड करके एक फाइन प्यूरी तैयार करूँगी, टोमेटो जूस भी आप कह सकते हैं। तो जब सारे टोमेटोज मैंने ये ग्राइंडर जार लिया, काफ़ी फाइन तैयार करूँगी, क्योंकि मेरा ग्राइंडर जार थोड़ा सा छोटा है तो मैं शिफ्ट शिफ्ट में करूँगी, आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं किसी बड़े ग्राइंडर जार में। इसे बस हम 2 मिनट चलाएंगे और एक बढ़िया सी प्यूरी हमें मिल जाएगी। देखिए अब हम ऑफ करते हैं, चेक करते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी प्यूरी मिली है, काफ़ी एकदम कोई भी पल्प नहीं रह गया, सब कुछ ग्राइंड हो गया। इसी तरीके से हम अपने सारे टोमेटोज को ग्राइंड करके टोमेटो प्यूरी तैयार करेंगे। आप टोमेटो प्यूरी तैयार करने के बाद, ये हमारा कढ़ाई है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, पैन भी ले सकते हैं, इसे हाई हीट पे रखा है, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, 2 बड़े चम्मच। और इसमें हम डालेंगे अपनी ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्चियाँ, ये हरी मिर्ची हमारी आधी है, बाकी की जो आधी थी वो जो मैंने लास्ट टाइम टोमेटो ग्राइंड किया था उसके साथ ही कर लिया था। और ये हमारी टोमेटो प्यूरी जो तैयार की गई है, आप चाहें तो टोमेटो चटनी को और भी स्पाइसी बनाने के लिए आप जीरे का यूज़ कर सकते हैं, क्यूमिन सीड डाल सकते हैं तड़के के साथ, या राई, मस्टर्ड सीड जैसा कि मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ठीक है, अच्छा ही लगेगा, और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ग्रीन चिली भी काफ़ी स्पाइसी कर देगी, क्योंकि मैं इसमें रेड चिली पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ, ये जो भी कलर्स हैं हमारे ओरिजिनल होंगे, कोई अलग से तीखा नहीं, कोई अलग से कलर नहीं। अब ये हम टोमेटो प्यूरी अपना डाल देंगे इसमें, हमारी जो टैम्परिंग थी तैयार थी, अब हम इसमें डाल के इसे अच्छे से सॉटे करेंगे, यानी ऑयल के साथ और जो राई थी और जो हरी मिर्चियाँ उनके साथ मिक्स करेंगे, और इसे तब तक हम चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देरी पे, जब तक कि इसकी जो रॉ टेक्सचर होती वो निकल ना जाए, यानी इसका कलर ना चेंज हो जाए। इसकी क्वांटिटी भी धीरे धीरे अपनी आप घट जाएगी, क्योंकि जो वाटर होता है वो एवापोरेट हो जाता है, भाप बन के निकल जाता है, तो थोड़ी थिक हो जाती है टमाटर। और फिर हम धीरे धीरे इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। देखिए इसे हमने लगभग 4 मिनट चलाया था, और 4 मिनट चलाने के बाद थोड़ा सा ये थिक हुआ है, इसमें हम नमक डाल देंगे, मैं इसमें 2 टीस्पून नमक डाला है मैंने, एंड 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर यानी 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 छोटा चम्मच अभी मैं डाल रही हूँ इसमें मसाला पाउडर, बाकी का बाद में डालूंगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये टोमेटो चटनी बनाना बहुत ही आसान है, घर पे आराम से बन सकता है, और आप घर पे बना करके इसको सॉस रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब एकदम सॉस की तरह लगता है ये चटनी,
और आपको मार्केट से सॉस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स भी मिले होते हैं उसे प्रिजर्वेट करने के लिए, लाइक सोडियम बेंजोएट, तो वो भी नहीं, आप घर पे नेचुरली अपने हाथों से बनाइए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और घर पे ही चटनी कहिए या सॉस कहिए, टोमेटो की हेल्थ का मज़ा लीजिए। टोमेटो में जो भी बेनिफिशियल थिंग्स होते हैं काफ़ी होते हैं, टोमेटो आपके वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है, तो आप इसे, अगर आपको टोमेटो का रॉ टेक्सचर नहीं पसंद है, कच्चा टमाटर, तो आप पका के इस तरीके से खा सकते हैं। ये देखिए हमारी जो चटनी है वो काफ़ी तैयार हो गई है, अब हम इसे फ्लेम जो है लो करके, जो हमारी चटनी तैयार है उसे एक छन्नी की हेल्प से एक बोल में छान लेंगे, ताकि जो इसके पल्प हैं वो अलग हो जाएंगे और जो इसकी प्यूरी है, सिर्फ प्यूरी, फ्रेश प्यूरी, इसमें कोई भी पल्प नहीं होगा, वो हम निकाल लेंगे। फिर जो हमारी प्यूरी निकलेगी नीचे विदाउट एनी पल्प, उसे हम आगे सॉस बनाएंगे। तो इसे हम निकाल लेंगे अच्छे से हिलाकर, ये देखिए काफी हद तक निकल आया है, बस ये देखिए सारा पल्प हमने अच्छे से निकाल लिया है एकदम से चला चला के, और प्यूरी हमें फ्रेश मिल चुकी है, और इतनी क्वांटिटी है हाफ के जी टोमेटोज थे जिसकी प्यूरी निकली है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, जो हमारा पैन था सेम पैन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अपनी प्यूरी, अभी भी हाई फ्लेम पर ही है, और अब इसे हम चलाते हुए इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट हमारे वो ऐड करते जाएंगे, और हमें एक बढ़िया सा टेस्टी सा स्वीट सा सॉल्टी सा टोमेटो चटनी या टोमेटो सॉस जो भी आप कहें वो हमें मिल जाएगा। ये हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर जो भी हमारा बचा हुआ था वो, टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए एंड शुगर, चीनी, और ये सब डाल के हम अच्छे से हिलाते हुए मिक्स करेंगे इसे, तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी इसमें अच्छे से घुल के मिल ना जाए। ये हम अभी थोड़ा ऑरिगैनो डाल देते हैं और थोड़ा ऑरिगैनो बचा के रखते हैं गार्निशिंग में। ये सब हो गया, थोड़ी सी धनिया पत्ती, चटनी इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें धनिया पत्ती डाली है, और अगर इसे सॉस की तरह बनाना है तो इसमें धनिया पत्ती मत ऐड करिए, बाकी इंग्रीडियंट्स आप ऐड कर सकते हैं, बस धनिया पत्ती मत ऐड करिए। चटनी इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि इसको मैंने कच्चे टमाटर लिए थे, सॉस को बॉयल टमाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चटनी है। मैं सॉस की रेसिपी भी बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी घर पे बनाने के लिए। ये हमारा कॉर्नफ्लोर था जिसमें मैंने अबाउट 3 टेबलस्पून 3 बड़े चम्मच पानी मिलाए हैं और अच्छे से घोल लिया है, एकदम लिक्विड हो गया है, अच्छे से मिक्सचर तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी चटनी में, और ये काफ़ी अच्छा सा रिच सा टेस्ट देता है, जस्ट लाइक जैसे कि आप सूप पीते हैं तो सूप की जो थिकनेस होती है, जो टेक्सचर होती है, वो सेम टेक्सचर चटनी को देगा कॉर्नफ्लोर, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा दिखने में भी और खाने में भी। देखिए मिक्सचर तैयार है हमारा, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी थिक हो रखा है हमारी चटनी, जो उसकी क्वांटिटी थी वो ऑलरेडी रिड्यूस हुई है, थोड़ी सी घटी है और काफ़ी थिक हुई है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी, और हमारी चटनी जो है रेडी है, बस हम इसे एक सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे बोल में सर्व किया है, थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है धनिया पत्ती और ऑरिगैनो से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया सी अरोमा आ रही है, बहुत ही अच्छी महक है, और इसे आप खाने के साथ लें, नाश्ते के साथ लें, जैसी आपकी मर्जी वैसे लें। इस वीडियो को घर पर ज़रूर ट्राई करें, और अपना जो आपका एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर करिए कमेंट बॉक्स में श्रद्धा रेसिपीज पर, और एक बार ज़रूर हमारे shraddharecipes.blogspot.in पर विजिट करिए, जिसपे और भी ढेर सारी रेसिपीज़ हैं आपके किचन के लिए, आपकी फैमिली के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, थैंक वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और इसे जितना हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।